सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 5 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद विरह तामस की। मैं चाहत न स्वात इन भांत अंजु आउद अंग चले, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, धरद देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। मैं अपने इंद्रिय रूपी शस्त्र को साथ लिए अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। अब मैं शांति नहीं चाहता, उनके विरह में रोते रोते आँखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए। प्रियतम की विरह वेदना से शरीर पीला होकर धूल के समान हो गया। अब मैं इस अस्थिर शरीर के द्वारा धनी जी से मिलने के लिए कैसे धैर्य धारण करूं? कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, त्रंबक बंको सुरो किनो न उगमाय, धार तरवार पर सचर सिंगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। प्रेम का मार्ग निश्चय ही बड़ा विकट तथा कठिन है। इस मार्ग में कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 मोड़ हैं, इसलिए बड़े बड़े सुरवीरों द्वारा भी इस मार्ग पर चला नहीं जाता। तलवार की धार के समान तीक्ष्ण इस मार्ग पर सील, संतोष, धैर्य, क्षमा, दया रूपी श्रृंगार धारण कर प्रवेश करो। सामने से शरीर के रोम रोम को बीतने वाले तीक्ष्ण नोक वाले भाले भी चुभते हैं। सागर नीर खारे लहरे मार मारे फिरे, बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे, खेले मछ मिले गले ले उछाले, संधो संध बंधे अंधो यो जो भावे। यह जीव मोह सागर की काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि खारी लहरों की थपड़े खाता हुआ जन्म मृत्यु रूपी चक्र में पड़कर थक जाने के बाद विभिन्न संप्रदाय रूपी द्वीपों में आश्रय लेता हुआ बेसुध होकर भटकता है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार ये संप्रदायवादी लोग भी स्वर्ग वैकुंठ आदि का प्रलोभन देकर सामान्य जन को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार झूठे प्रलोभनों में बंधे हुए अल्पग्न लोग उसी संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं। दाहो दसे दसो दीस सबे धखे, लाल झाला चले इंड न झलाए, फोड़ आकाश फिरे सिर शिखरो, ए फलंग उलंग संग खसम मिलाए। दसो दिशाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अग्नि की ज्वाला धधक रही है। उसकी लाल ज्वाला इस ब्रह्मांड में समान नहीं पा रही है। यह ज्वाला आकाश को चीर कर वैकुंठ तक पहुंची है एवं इस संसार से छलांग लगाकर वैकुंठ को भी लांग कर शून्य निराकार से पार परमात्मा से मिला देती है। घाट अवघाट सिलपाट अति सलबली, तहां हाथ ना टीके पीपल पाए, वाओ वाए बढ़े आग फैलाए चढ़े, जले पर अनल ना चले उड़ाए। प्रेम रूपी मार्ग
अत्यंत विषम है, उस पर हाथ भी नहीं टिकता और चींटी के पैर भी नहीं ठहर सकते। इच्छा तथा तृष्णा से भरे हुए पवन के चलने पर काम क्रोधाग्नि की अग्नि और धधकती है। इससे आत्मा रूपी पक्षी के प्रेम तथा विश्वास रूपी पंख जल जाते हैं, जिससे वह न तो चल सकता है और न ही उड़ सकता है। पेहन पाखर गज घंट बजाए चल, पेठ सकोड़ सुईना के समाए, डार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाँप खाए। शील संतोष रूपी कवच पहनकर वेत कतेब के ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए निर्भय होकर हाथी की चाल से चलो। नम्रता गरीबी के द्वारा शरीर को समेट कर सुई के छेद के समान सूक्ष्म प्रेम की संकड़ी गली में प्रवेश करो। धनी के चरणों में स्वयं को समर्पित करने में पीछे मत हटो। पहाड़ के समान ऊंचे वैकुंठ शून्य निराकार को पार कर परम धाम में छलांग लगाओ। बोहत बंध फंद धंध अंजू के बीच में, सो देखे अलेखे मुख भाखन आवे, निराकार सुन्न पार के पार पीयु वतन, इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। इस संसार में इंद्रियों के बंधन, कर्म कांड के फंदे तथा अज्ञान की अनेक उलझने दिखाई देती है, किंतु मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। अपने पिया का धाम निराकार शून्य के पार अक्षर तथा उससे भी परे है। उन पर ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के बिना यहाँ पर कौन आ सकता है। मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, कहे महामति इन भांत तो रंग रती, दे पियाए आज्ञा जाग करूं विलास। पिया निश्चय ही आएंगे, इस आशा के साथ मेरे मन तन वचन और विश्वास बंधे हुए हैं। महामती कहते हैं, मैं इस प्रकार धनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सतगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूँ। प्रकरण 6 चौपाई 157। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 6 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम जी।